नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन तलोड़ा व्लॉग्स। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर दो बंदों को रशियन टैंक के नाम से जाना जाता है। एक तो अपने आते हैं पंजाब के सुपरस्टार पहलवान रोजी कपूरथला और दूसरे आते हैं हिमाचल के। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल वाले रशियन टैंक के बारे में। माता सरिता देवी और पिता बिट्टू प्रधान के घर विलेज सतरौली में 6/11/2007 में एक ऐसे लड़के का जन्म होता है जो आज की डेट का सुपरस्टार पहलवान कहलाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। दोस्तों, विशाल भाई ने मिट्टी की प्रैक्टिस जिस अखाड़े में की है वो हिमाचल का नंबर वन अखाड़ा है लंबा नाला, जहां से आते हैं हिमाचल केसरी सोनू कांगड़ा भाई। आप जानते हो सोनू कांगड़ा को, हिमाचल के सुपरस्टार नंबर वन पहलवान है। उस अखाड़े से विशाल भाई ने मिट्टी की प्रैक्टिस की है जिसको हम अखाड़े वाली कुश्ती कहते हैं। अभी बात करते हैं मैट वाली कुश्ती, जिसके लिए नेशनल और स्टेट लेवल इंटरनेशनल तक बंदा जाता है, उसके ऊपर बात करते हैं। सुरजन उस्ताद के पास विशाल भाई ने मैट की कुश्ती की है। अखाड़ा आता है पंडोरी, आप जानते हैं पंडोरी अखाड़ा भी बहुत ही तगड़ा अखाड़ा है। और ये दो अखाड़े जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से विशाल भाई ने अपनी प्रैक्टिस की है और आज की डेट का ये पहलवान बहुत ही बढ़िया कुश्ती करके दिखा रहा है हिमाचल के अंदर, तो नाम रोशन कर रहा है। और साथ ही अभी फिलहाल की घड़ी में आने वाले वक्त में आप देख सकते हैं कि विशाल भाई की कुश्तियाँ पंजाब में भी देखने को मिलेंगी। पठानकोट डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, चाहे मैं होशियारपुर की डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, चाहे जम्मू कश्मीर का एरिया आता है, वहाँ भी विशाल भाई की अभी कुश्ती आपको लगातार कंटिन्यू देखने को मिलेगी। तो देखते हैं ये सुपरस्टार पहलवान क्या करेगा, अपने नाम को बरकरार रख पाएगा। लेकिन एक बात तो है, बंदे में दम तो है भाई, कांटा कुश्ती करता है, चाहे जीते चाहे हारे, लेकिन रिजल्ट 100% देता है भाई। तो प्राउड की बात है कि विलेज शतरौली से एक ऐसा लड़का आता है जिसका कोई बैकग्राउंड पहलवानी के क्षेत्र से नहीं था, लेकिन इस भाई ने पहलवानी को चुना और साथ ही शतरौली विलेज का भी नाम रोशन किया और अपने नूरपुर एरिया का भी नाम रोशन कर रहा है भाई। तो हिमाचल प्रदेश का ये सुपरस्टार पहलवान देखते हैं 2024 के अंदर अपना नाम बना पाता है कि नहीं। वैसे तो नाम इसका भाई का फेमस तो हो ही चुका है, रशियन टैंक नाम से आप सभी बंदे जानते हैं हिमाचल के, शायद ही कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा बंदा हो जो विशाल भाई को ना जानता हो। तगड़ा पहलवान है। और एक बात बता देता हूँ भाई, जितनी भाई की हाइट है उस हिसाब से देखा जाए तो हिमाचल के अंदर आई थिंक मेरे को नहीं लगता इतनी लंबी हाइट वाला कोई दूसरा पहलवान है। हाइट के लिहाज से देखा जाए तो प्लस पॉइंट है भाई, और वेट के हिसाब से भी देखा जाए तो तगड़ा भाई वेट में भी हैवी वेट है। तो देखते हैं इस बार हिमाचल का ये सुपरस्टार नाम बना पाता है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त की जाती है। मैं हूँ आपका दोस्त रोबिन और आप देख रहे थे रोबिन तलवाड़ा ब्लॉग्स।